गोरखपुर स्थित आकांक्षा अपार्टमेंट के फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक फ्लैट के एक कमरे में रखी गृहस्थी की सामग्री जलकर खाक हो गई थी। गोरखपुर स्थित आकांक्षा अपार्टमेंट में रहने वाले शुक्ला परिवार के घर में अचानक आग लग गई। इस अग्नि हादसे की सूचना मिलने के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक एक कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। मीमांशा शुक्ला ने बताया कि ऑफिस से लौटकर वो अपने डॉग को घुमाने गई थी, उसी दौरान धमाके की आवाज आई और घर से धुआं उठने लगा था। घर पे लॉक लगा था, हम शॉप गए थे अपना जॉब करते, वहाँ से हमारा डॉगी भूखा था तो उसके लिए हमने दूध रखा था गैस पे और खाना दिया, फिर नीचे में उसे घुमाने लेके आ गए। फिर 2 मिनट के बाद ब्लास्ट की आवाज़ आई, फिर धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा और अंदर फिर कोई नहीं गया, उसके बाद सिर्फ धुआं था पूरे अपार्टमेंट में। बेटा आग कैसे लगी, कुछ जानकारी थी? दोनों क्योंकि लास्ट वाले रूम पे में भी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि गैस चालू थी तो गैस सिलेंडर सारा सब सही है, बस अंदर वाले रूम्स में सब। घर पर कौन कौन था? कोई नहीं था, हम अकेले थे। हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे और आग पर काबू पाया और आग को बुझाया। आग में कम से कम उनका इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह पूरा सब जल के खाक हो गया और अनुमानित उनका 2 लाख से ऊपर करीब नुकसान हुआ है और मकान पूरा बंद था। वो बाहर रहते हैं, डिंडोरी में हैं, नगर निगम में हैंगे, जिनके दर ये आग लगी फ्लैट में। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है।